वॉटसन के इस बयान से लग सकता है सीएसके फैंस को बड़ा झटका। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स ने मंगलवार को दिल्ली कैपिटल्स को उनके ही घर पर 6 विकेट से हरा दिया था। चेन्नई सुपर किंग्स के जीत के हीरो रहे शेन वॉटसन। वॉटसन ने 26 गेंदों पर 44 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर चेन्नई सुपर किंग्स की जीत की नींव रखी। मैच के बाद वॉटसन ने कुछ ऐसा बयान दिया जो चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए झटका हो सकता है। वॉटसन ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मिली अहम जीत के बाद माना कि फिरोज शाह कोटला का विकेट चेन्नई से बेहतर था। मैच के बाद वॉटसन ने कहा कि यहाँ का विकेट चेन्नई से थोड़ा बेहतर था, विकेट थोड़ा धीमा था, इसलिए बल्लेबाजी करना अच्छा रहा। मैं नहीं समझता कि मैं अधिक गेंदबाजी कर पाऊंगा क्योंकि बिग बैश शुरू होने से पहले मेरे पांव में चोट लग गई थी। PSL में बहुत मजा आया और चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ियों के साथ मिलकर अच्छा लगा। केदार जाधव ने भी कहा कि विकेट धीमा था और शुरुआती ही दो मुकाबलों को जीतकर टीम खुश है। जाधव ने कहा कि विकेट थोड़ा धीमा था, खासकर जब आप इस तरह के लक्ष्य का पीछा कर रहे हो तो अंत तक जाना बहुत अहम हो जाता है। हमने मैच में नियंत्रित बनाए रखा, दुर्भाग्यवश मैंने टीम को जीत दिलाने में से पहले ही पवेलियन लौट गया। ये एक बड़ा टूर्नामेंट है और हम शुरुआत के दो मैच जीतकर खुश हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।